हेलो बेटा, आज की इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है बिजनेस रिस्क। अब सीधी सी बात है, अगर आप भी कभी बिजनेस शुरू करना चाहोगे या स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे, तो आपके माइंड में ये आएगा कि पहली बात हम किस चीज़ का बिजनेस करें। अगर आपको ये लगता है कि हम क्लोथ का बिजनेस कर रहे हैं या हम कुछ ऐसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं जिसमें टाइम टू टाइम फैशंस जो है वो चेंज होते रहता है या फिर जिसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो ये चीज बातें हमारे ध्यान में आती हैं कि बिजनेस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है कि हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो जाए, हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए, और हो सकता है कि जितने प्रॉफिट की हमने एक्सपेक्टेशन लगाई है उतना प्रॉफिट ना होकर हमें कम प्रॉफिट हो। तो बिजनेस के साथ रिस्क तो कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल साथ ही रहता है कि बिजनेस से रिस्क को अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी बिजनेस में कम रिस्क है तो किसी में ज्यादा रिस्क है, जैसे कि फैशनेबल आइटम जो है आपके क्लोथ्स हो गए या कुछ ऐसी आइटम्स हैं जैसे टॉयज हो गए, वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं, उनकी वैरायटी जो है वो चेंज हो जाती है, तो उनमें रिस्क ज्यादा होता है। अब जैसे कि आप ये लगा लो कि जो बिल्डिंग मटेरियल है उसके अंदर रिस्क थोड़ा सा कम होता है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि उनकी इतनी वैरायटी जो है वो चेंज नहीं होती है। और भी कई आइटम ऐसे जैसे खाने पीने की चीजें हैं, उनमें भी इतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि आटा लगा लो या नमक चीनी, इन सब में क्या है कि इसकी इतनी वैरायटी चेंज नहीं होती, रिस्क कम या ज्यादा हो सकता है, पर हाँ ये नहीं कह सकते कि रिस्क बिल्कुल ही नहीं है। हर एक बिजनेस में अलग अलग तरीके का रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ रिस्क ऐसा होता है जो सबके ऊपर एक साथ इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि मान लो ड्रॉट है या फिर रेन है, या रेन हो गई, बारिश में भीग गया कोई सामान या खराब हो गया या कुछ इस तरीके से जो बिल्डिंग है वो टूट गई, अर्थक्वेक आ गया, तो उसका इम्पैक्ट तो हर सब पे लगभग एक ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमारे जो बिजनेस रिस्क हैं वो कई तरीके के होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो इस बिजनेस रिस्क के मैं इस टॉपिक में सिर्फ आपको ये बात बताऊंगी कि बिजनेस रिस्क वो होता है जो बिजनेस के साथ इन्वॉल्व होता है, कि पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, प्रॉफिट हो भी सकता है और प्रॉफिट नहीं भी हो सकता, और जितने की हमने एक्सपेक्टेशन लगाई है उससे कम भी हो सकता है। जैसे कि आप अपनी इस जो आप ये पैराग्राफ मैं आपको शो कर रही हूं, आप इसमें देख रहे हैं, बिजनेस रिस्क रेफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडुकेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटी अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल। बेटा, अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे आज आप देख रहे हो कि जो हमारे जो कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम चल रही है, तो ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड था, कोई हमें एक्सपेक्टेड था कि हमारी कंट्री की कंडीशन ऐसी हो जाएगी, हमारी कंट्री या हमारे वर्ल्ड की पूरे की कंडीशन इस तरीके से हो जाएगी, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसका काफी सारे जो बिजनेस हैं, काफी सारे क्या मोस्टली सब बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे वो इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर भी, बिजनेसमैन थे उन पे भी। और मुझे एग्जांपल दे रखा है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके टेस्टीज एंड प्रेफरेंस चेंज हो गए, कहने का मतलब हमने उसका प्रोडक्शन किया पर कस्टमर ने उसको पसंद करना बंद कर दिया और वो सामान बिना बिका ही रह गया। तो ये बिजनेस में रिस्क होते हैं, चीज पसंद नहीं आई जो खरीदने वाला है, या कंपिटिटर जो है उसने अपने प्रोडक्ट के रेट कम कर दिए जिसकी वजह से हमारे को भी रेट कम करने पड़े और हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब देखो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क हमारा किस तरीके का होता है, आप देख रहे हो उसके अंदर जो पॉइंट्स जो दे रखे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अनसर्टेनिटी व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, आप ये देख रहे हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अनसर्टेनिटीज आर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी या टेक्नोलॉजी, बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मतलब जो चीज सर्टेन नहीं होती कि ऐसी होगी। आज से एक साल पहले हमें ये नहीं पता था कि कोरोना की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे होगी, जिसकी वजह से हम सब लोगों को जो है घर बैठना पड़ेगा या हमारे को हम कमा नहीं पाएंगे, इस टाइप की कंडीशन हमारे सामने क्रिएट होगी। अब देखो रिस्क इज असेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, कह रहे हैं कि हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है चाहे कम हो या ज्यादा हो। आप इसमें एक लाइन दे रखी है कि ऑल दो डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी का मतलब है कि अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया है फैशनेबल आइटम है उसमें रिस्क ज्यादा होगा क्योंकि लोग उसको पसंद करना जल्दी बंद कर देते हैं, नई नई चीजों की डिमांड करते हैं। सिमिलरली जो है मोबाइल फोन है उसके अंदर भी कंपटीशन ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, और मैंने आपको बताया बिल्डिंग मटेरियल है
उसके अंदर रिस्क कम है, खाने पीने की ग्रोसरी आइटम है उनमें रिस्क कम है, तो कह रहा है कि रिस्क तो होगा ही होगा। अब बिल्डिंग मटेरियल में भी रिस्क है, मान लो कि बारिश आ जाने से कुछ मटेरियल जो भीग रहा है, या भूकंप आ गया बिल्डिंग टूट गई, या किसी ने जो वहां का मजदूर है उसने चोरी कर लिया, तो रिस्क तो मोस्टली हर बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब आगे देखिए, रिस्क डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, कह रहा है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, का मतलब यह है कि डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है। जो फैशनेबल अगर आप आइटम बेच रहे हो तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा, कुछ डेली यूज के आइटम जो है जो कोई भी खरीद सकता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं खाने पीने की आइटम हो गई या कुछ क्रोकरी आइटम हो गई, तो उनमें रिस्क इतना नहीं इन्वॉल्व होता। प्रॉफिट इज रिवार्ड ऑफ बियरिंग रिस्क, कह रहे हैं जितना रिस्क आप बियर करोगे प्रॉफिट उसका रिवार्ड है, मतलब हमें बदले में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बिजनेस में 1 करोड़ इन्वेस्ट किए, तो क्या है उसके बदले में जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो रिस्क है, वो करोड़ हमारे डूब भी सकते थे, खराब भी हो सकते थे, और अगर हमने उस 1 करोड़ से कमा लिया तो उसी रिस्क की बदौलत कमाया, हमने रिस्क लिया है तभी हमने पैसे कमाया, अगर हम रिस्क ना लेते तो हम उस पैसे को अर्न नहीं कर सकते थे। अब देखो आपके अंदर नीचे दे रखा है कॉजेज ऑफ रिस्क, कई कारण होते हैं रिस्क के, रिस्क जो है वो किस 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 वजह से, कौन कौन से रिस्क हमारे होते हैं। नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉज का मतलब होता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे नेचुरल क्लैमिटीज में अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फेमाइन एसेट्रा, ये बिजनेस के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है वो टूट गई, मशीनरी जो है वो खराब हो गई, फ्लड हो गया जिसकी वजह से बह गया सब कुछ, तो वो नेचुरल कॉज है। ह्यूमन कॉज में आप देख रहे हो कि ह्यूमन कॉज में ह्यूमन बीइंग की वजह से जो रिस्क बना रहता है, जैसे कि आप देखते हो कि बिजनेस में अगर हमने कोई इम्प्लॉयज लगा रखे हैं तो हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं वो हमारी चीज ना चोर ले, या उसको डिसऑनेस्टी ना कर ले, कभी उसको सस्ते दाम में ना बेच दे या उठाकर ना ले जाए। अब इसमें आप देख रहे हैं एग्जाम्पल द इम्प्लॉयज में लीक बिजनेस सीक्रेट टू कम्पिटिटर एंड में कमिट फ्रॉड ऑल्सो, इस तरीके का फ्रॉड कर दे, तो ह्यूमन कॉज की वजह से भी हमारे को रिस्क रहता है। नेक्स्ट आप इसके अंदर देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक कॉज। अब इकोनॉमिक कॉज इज रिलेटेड टू लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, कह रहा है इकोनॉमिक कॉज वो होता है मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट हम बेच रहे थे उसके प्रोडक्ट के प्राइस अचानक ही मार्केट के अंदर क्या हो गए, कम हो गए, फैशन जो है वो बदल गया, कस्टमर की जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो गई, या गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई, या कंपिटिटर आ गया मार्केट के अंदर, तो उस सब कंडीशन के अंदर क्या कह सकते हैं कि हमें ये रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल इन 1971 व्हेन जनता गवर्नमेंट केम इन द पावर द कोकोला कंपनी एंड मैनी अदर फॉरेन कंपनी वर सेंड बैक फ्रॉम इंडिया, कह रहा है कि कुछ कंपनी को यहां सर वापस भेज दिया गया। तो अब आप देख रहे हो कि कुछ कंपनीज जो है उनको वापस भेज दिया गया, अब कोई कंपनी है वो चल रही है वो इंडिया की नहीं है, उसको यहाँ पे क्लोज करा दिया गया, तो इस तरीके के रिस्क जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज के अंदर हमारा ये पॉइंट है कि कोई असेट्स है वो टूट गई, डैमेज हो गई, या फिर किस तरीके से वो आउटडेटेड हो गई, जैसे आप ये देख रहे हो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना करते थे, अचानक ही जो है उनकी डिमांड जो मार्केट में होनी बंद हो गई, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी को हमें चेंज करना पड़ गया। मोबाइल फोन देखते हो आप टाइम टू टाइम, बड़ी जल्दी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। अब आप ये नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हो, टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, इंश्योरेबल, नॉट इंश्योरेबल, स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इंश्योरेबल। इंश्योरेबल रिस्क वो होते हैं जिसको हम इंश्योरेंस, जिसके लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, और वो रिस्क जो है वो हमें कंपनसेट कर देती, वो रिस्क को कम करने के लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा पेट्रोल पंप है तो हम फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं, कभी किसी भी रीजन की वजह से वहां पे आग लग जाती है और उसका जो नुकसान है वो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिसके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं वो रिस्क होते हैं हमारे इंश्योरेबल रिस्क, और जिनके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते वो होते हैं हमारे नॉन इंश्योरेबल रिस्क। जैसे कि अगर आपका जो बीच का जो फिजिकल जो क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिस्क मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर किसी ह्यूमन बीइंग ने आपकी जो
डिस्क्लोज ना करने वाली बात है या जो आपकी जो पॉलिसी है या आपकी जो की पॉइंट्स हैं वो किसी के साथ डिस्कस कर लिए या किसी के साथ जो है शेयर कर लिए और आपके साथ क्या कर लिया उसने फ्रॉड कर लिया, तो उसके अगेंस्ट तो कोई आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते। उसकी नेगलेंस की वजह से कोई सामान टूट गया या खराब हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया, केयरलेसनेस की वजह से, तो उस कंडीशन में भी नॉन इंश्योरेबल रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होता है। स्पेकुलेटिव क्या होता है कि ये तो एक पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल मार्केट में डिमांड चेंज हो गई तो उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकती। मार्केट में जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो पसंद नहीं आया कस्टमर को। नेक्स्ट आता है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क हमारा वो वाला होता है या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। पॉसिबिलिटी होगी किसकी, या तो लॉस की या फिर प्रॉफिट की, मतलब दो में से एक चीजें हो सकती हैं, या प्रॉफिट या फिर लॉस। तो आपके ये वाला जो मैंने वीडियो जो आपको सेंड करी है इसमें मैंने आपको बिजनेस रिस्क डिस्कस किया है मैंने आपके साथ कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, दूसरा बिजनेस रिस्क किस किस तरीके से होता है, और तीसरा कि किस कारणों की वजह से, कौन कौन से कारण होते हैं जो हमारे बिजनेस रिस्क में इन्वॉल्व होते हैं।